स्टोर से ले सकते हो। मैं दो सप्लीमेंट बताने जाऊंगा, पहले ही मैंने मेडिकल स्टोर के सप्लीमेंट्स और साइकिल्स के बारे में बताया है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लड़के पूछते रहते हैं टेस्टोस्टेरोन वहां से ले लें या ये वाली चीज़ वहां से ले लें, तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। बट आज जो वीडियो है, मैं दो स्पेशल सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा जो आपको एक तो फैट लॉस में, एक मसल गेनिंग में आपको हेल्प करेगा, मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो। उससे पहले आपके ये क्वेश्चन है कुछ, मैं बारी बारी देता हूँ आपको। ये जैसे पहला क्वेश्चन सुरेंद्र भाई का है, कह रहे कि 40 ईयर अगर आपकी एज जो है, मैं बोलूँगा 35+ कह लेते हैं, एग्जाम्पल इन्होंने 40 लिखा और 35 प्लस। अभी सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों से, जो भी भाई वीडियो को देखे या बाद में भी इस वीडियो को देखे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। रिक्वेस्ट है आपके, लाइक से कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, बट मैं मुझे बेनिफिट हो जाएगा कि नोटिफिकेशन और लड़कों को भी जाएगी, वीडियोस के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और सबसे पहले लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर कर देना। अभी लाइव में भी अगर जुड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाद में भी आओ तो अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट करना कि आपको भी बेनिफिट हो। तो जैसे सबसे पहले सुरेंद्र भाई का क्वेश्चन है कि 35+ हो अगर आप, तो क्या मल्टीविटामिन्स लेना जरूरी रहता है? राम राम भाई जी, राम राम। तो मल्टीविटामिन्स लेना जरूरी रहता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल डाइट पे, वर्कआउट पैटर्न पे। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आपका डाइट से मल्टीविटामिन्स वगैरह मिनरल्स वगैरह नहीं पूरे हो रहे, फिर आपको मल्टीविटामिन के कैप्सूल वगैरह लेने पड़ जाएंगे, चाहे जिंक कैल्शियम वगैरह, वो भी आपको बाय करना पड़ सकता है। तो इसका पहला आंसर ये है। सेकेंड चीज़ है, इन्होंने कहा कि एल आर्जिनाइन और ये साइकिल रन कर रहे हैं कोई एल आर्जिनाइन के साथ, एपिकैटचिन, तो क्या बेनिफिट देगा? देखो एल आर्जिनाइन आप जो है प्री वर्कआउट की तरह उसको यूज़ कर सकते हो, अगर एल आर्जिनाइन नहीं यूज़ करना तो कॉफ़ी वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि एडिक्टिव रहती है तो कॉफ़ी से प्रॉब्लम आ सकती है। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, ठीक है, ठीक है भाई। तो एल आर्जिनाइन और एपिकैटचिन, एपिकैटचिन देगा मसल गेनिंग का, तो जो लड़के एपिकैटचिन, हाँ ये भी था कि बहुत लड़के कह रहे हैं कि सर आपने एपिकैटचिन के बारे में बताया है और इसके आपने बहुत तारीफ की, बट ये मिल नहीं रहा आपको, तो भाई ये थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आप ये सर्च करते रहना, जब आपको अवेलेबल हो तो बाय कर लो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ अगर आपका लेवल थोड़ा अप है तो फिर एपिकैटचिन हो गया, एनाबोल हो गया, माइडोल आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एपिकैटचिन वो ले सकते हैं जो लड़के अभी बिगनर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं रन की अभी बॉडी में, तो वो एपिकैटचिन के रिजल्ट ले सकते हैं। बट एपिकैटचिन जो सप्लीमेंट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है बहुत जल्दी, जो ये जो भी ऑनलाइन जहाँ से भी आप ले रहे हो बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रहता, तो आप ये ध्यान में रखना। अगर आपने इसको इसकी साइकिल रन करनी है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हो, और इससे मसल गेनिंग होती है, बट मेन चीज़ ये है कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, तो उसको आपने उस मतलब पहले से ऑर्डर उस हिसाब से देखना, या आपने सप्लीमेंट स्टोर वाले से उस हिसाब से मंगवा लेना, पहले ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल रहता है। तो 35+ ये एज के जो भी हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग में एज मैटर नहीं करती, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे आप एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ कर लो तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो बॉडी बिल्डिंग में ये चीज़ मैटर नहीं करती। हाँ कोई आपकी कोई और स्पोर्ट्स में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है, तो वहाँ पे ज़रूर मैटर कर सकती है कि एज मैटर करेगी वहाँ पे, बट बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा एज मैटर नहीं करती, क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें जब चलती हैं तो नॉलेज होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, प्रिकॉशंस वगैरह सारे चले, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आप 35 के हो या 45 के हो या 55 के हो। तो ऐसी कोई दिक्कत बॉडी बिल्डिंग में नहीं आती कि एज के साथ आप बॉडी नहीं बना पाओगे या फिटनेस में नहीं जा पाओगे। फिटनेस के लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती, कभी भी आप फिट हो सकते हो किसी भी एज में, चाहे मेल है फीमेल है कोई भी। तो ये आपको जज्बा चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, बॉडी बिल्डिंग आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये है कि अगर कम एज में करो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, कम एज मतलब 18, 19, 20, जब आपके आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा रहता है, अगर उस टाइम करो तो आपको बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी और रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। मसल गेन करना हो या फैट लॉस करना हो तो वो बहुत जल्दी कर पाओगे आप, तो ये बेनिफिट ज़रूर मिलता है। बट बॉडी बिल्डिंग में एज मैटर नहीं करती। जो लड़के 30+ हैं, कहीं मुझे कहते रहते सर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जा रहा है अब 30 में, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बॉडी बिल्डिंग में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, हार्डवर्क मैटर करता है, गाइडेंस मैटर करती है, आपका कोच मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती, ठीक है। ये आंसर दे दिया। अभी ये सेकंड, ये अनुज भाई हैं, इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, मैं वो भी आंसर दे दूंगा अभी, जो वीडियो जिसके लिए मैंने बना रहा हूँ कि कौन से दो सप्लीमेंट है, ठीक है, कौन से आप कैसे और कैसे यूज़ करने हैं, कितने प्राइस होगा कि आप मसल गेन कर पाओ और फैट लॉस कर पाओ, तो दो सप्लीमेंट मैं बता दूंगा जो थंबनेल है, बट उससे पहले एक आंसर देने ज़रूरी था क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन ही है। अच्छा तो आइए, अनुज भाई ने पूछा कि M1T सुपर रोल रैड और LGD की साइकिल, और इसके रिजल्ट कितने टाइम तक मिलेंगे और ये साइकिल कैसी है।
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कम से कम स्टफ यूज करके बेस्ट रिजल्ट लेना होता है, ना कि सारी चीजें अंधाधुंध चला दी। अब मेरे पास इतने स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के, बट मैं कभी भी फालतू खर्चा ना तो किसी का करवाता हूँ कि मैंने जैसे मतलब बहुत ज्यादा खर्चा बनवा दिया उनका और इतनी ज्यादा चीजें चला दी। हाँ, बस वही सॉल्ट चलवाए जाते हैं, चाहे वो टैबलेट हो या इंजेक्टेबल्स हो, जो आप अफोर्ड कर पाओ और जो जितने में आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर दो चीजों से आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं दो ही चलवाऊंगा, मैं ये वाला काम नहीं करता। जैसे अभी आप बता रहे हो M1T भी ले लिया, सुपर ट्रोल भी ले लिया, रैड भी ले लिया, LGD भी ले लिया, इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। ये गलती वही करते हैं या तो जिनको नॉलेज ना हो। मैं अनुज भाई को नहीं कह रहा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं उन कोच को कह रहा हूँ जो कोच होते हैं जो बहुत ज्यादा चीजें चला देते हैं भाई, ट्रेन भी चला ले, टेस्ट भी चला ले, बोलनी भी चला, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा चीजें चलाते हैं। एक तो खर्चा बहुत ज्यादा बन जाता है इससे, और दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। जितनी ज्यादा चीजें चलाओगे बॉडी में जाएंगी, वो आपको साइड इफेक्ट दे सकती है, फिर प्रिकॉशंस भी काम नहीं आते। तो इसलिए सिर्फ अच्छे कोच के अंडर करो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ और मैं हमेशा यही चीज करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। जितना उनका बजट हो उसी हिसाब से साइकिल डिजाइन करके देते हैं, उतने ही सॉल्ट चलवाए जाते हैं। ये नहीं कि 5-6 सॉल्ट चलवा दिए, इतने चलवा दिए, उतने चलवा दिए। हाँ, किसी किसी बॉडी पे ज्यादा सॉल्ट चलवाने पड़ते हैं, वो बात अलग रहती है, बट हर किसी को ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा चीजें चलानी है तभी रिजल्ट मिलेगा, फिर वो तुक्के वाली बात हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें चला रहे हो और फिर रिजल्ट ले रहे हो तो ये समझ लो कि आपके कोच को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तुक्के वाली बात है कि इतनी ज्यादा चीजें चला दी कोई ना कोई तो रिजल्ट दे देगी। अब ये भाई ने पूछा जैसे M1T सुपर रोल रैड, तो इतनी ज्यादा चीजें चलाओगे तो साइड इफेक्ट तो सबसे पहले मिलने वाले हैं। टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि M1T भी चला रहे हो, सुपर रोल रैड, LGD, सारी चीजें ही बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देने वाली है। खास करके सुपर रोल और रैड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो आप ये साइकिल रन कर रही हो, चीजें बताइए, आपने कम से कम भी 20,000 तक का इसका खर्चा बनेगा। अगर आप अच्छी मतलब अच्छी जगह से ओरिजिनल लेते हो तो 15,000 से 20,000 का खर्चा बनेगा, और डाइट अलग, सप्लीमेंट्स वगैरह अलग चलाने पड़ेंगे। तो इतना खर्चा करने से अच्छा है कोई कोच, किसी कोच के अंडर करो, कोच को फीस दो और अपनी बॉडी की सारी चीज़ें बताओ कि मैंने इतने टाइम हो गया। जैसे मेरा तरीका रहता है कि आपको पहले अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, आपने पहले क्या क्या चीज़ें चलाई हैं, क्योंकि ये सॉल्ट क्या चलेगी आपकी बॉडी पे ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने पहले कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें चलाई हैं। आप कोई माइड रोल वगैरह आपके 677 रन करके आया है बहुत टाइम से, तो अगर मैं उसको वैसी ही नॉर्मल चीज़ें दूंगा तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये डिसाइड करना पड़ता है, आपका कोच डिसाइड करेगा, अच्छा कोच डिसाइड करेगा कि कौन सी साइकिल आपको बना के कौन सी साइकिल आपकी बॉडी पे रन करनी चाहिए। तो ये तुक्के वाली बात नहीं है कि मैं ये भी चला लूँ, वो भी चला लूँ, ये भी करके 15,000-20,000 का खर्चा आपने बना दिया इसमें M1T सुपर रोड रैड LGD चला के, इसके कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल है, रिजल्ट मिल भी गए तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो साइड इफेक्ट से बचना मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप मैराथन की तरह लो, बॉडी बिल्डिंग लंबे टाइम तक अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि फिटनेस है, फिटनेस लंबे टाइम तक रखनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग स्टेज शो वगैरह वो बात अलग है, बट फिटनेस लंबे टाइम तक रखना चाहते हो तो कम से कम चीज़ें यूज़ करके, कम से कम चीज़ें यूज़ करोगे तो बेनिफिट ही होगा, कम से कम खर्चा होगा। तो बॉडी बिल्डिंग का जो नाम हो गया कि भाई बड़ा खर्चा होता है, बहुत महंगी गेम है, तो ये कि इसके कारण भी हुआ कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेते हो। M1T सुपर रोल, वे प्रोटीन, क्रेटीन, BCAA, सारी इतनी ज़्यादा चीज़ों का बना के आप कम से कम भी 30,000-40,000 का खर्चा कर रहे हो। तो ये मुझे नहीं लगता इससे कोई आपको खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट ये रिजल्ट मिले या ना मिले साइड इफेक्ट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ये भाई ने अभी एक थोड़े से आंसर दे देते हैं इसके। ये अजय भाई ने पूछा, अकेला टेस्ट एनाथेड, देखो अकेला टेस्ट एनाथेड चला लिया जाता था, मैं ये बोलता हूँ। देखो चलाने को अभी आप कोई भी लड़का कोई भी साइकिल रन कर सकता है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई घर जाके हम जाके चेक नहीं करते किसी को क्या कौन चला रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझने की, मेन चीज़ है कि जो साइकिल आपको रिजल्ट दे अगर वही चलाओ तो बेस्ट है, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, साइड इफेक्ट से बच जाओगे। ऐसे चलाने को तो आप कुछ भी चला सकते हो, कौन आपके घर में आके चेक करेगा कि भाई यार तू ये चला रहा है या ये नहीं चला रहा, तूने विंस्ट्रोल चलाई हुई है ये होगा, उससे साइड इफेक्ट आएगा, डेका चला रहा है, डीबोल चला रहा है, कोई आके चेक नहीं करने वाला। हाँ, ये जरूर है आपको रिजल्ट मिलने चाहिए और साइड इफेक्ट से बच रहा हो तो वो बेस्ट साइकिल रहेगी आपके लिए। इसलिए टेस्ट एनाथेड की साइकिल मैं अकेली नहीं बताता। हाँ, आप बोलो मैंने यूज़ किया, मैंने ज़रूर यूज़ किया अकेली साइकिल भी, बट मेन चीज़ ये रहती है कि वो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं हर किसी को रिपीट नहीं करनी होती। टेस्ट एनाथेड की अकेली साइकिल वैसे बहुत लड़के चलाते हैं, बट बेस्ट जो तरीका रहता है इसके साथ कुछ टैबलेट्स वगैरह चलाओ, प्रिकॉशंस, PCT वो तो ज़रूरी है ही है, 12-16 वीक की साइकिल रन करते हैं। बट टेस्ट एनाथेड अकेला इतना कोई खास रिजल्ट नहीं देगा, और रिजल्ट आपको दूसरी चीज़ें साइड इफेक्ट से भी बचना है, तो साथ में टैबलेट्स चलेंगी, प्रिकॉशंस वगैरह वो तो जरूर चलेंगे। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मत चलाना, लॉन्ग एस्टर है टेस्ट एनांथेट जो है, और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ज़्यादा डोज भी मत बढ़ाना, मिनिमम डोज में यूज़ करना, और कुछ टैबलेट्स ऐड कर लेना, और साथ में प्रिकॉशन ज़रूर ऐड कर लेना, लास्ट में पीसीटी कर लेना भाई। नेचुरल कैसे इंक्रीज करें आप? देखो ब्रदर, मैं अपना खुद बताता हूँ, मैंने 18.5 इंच तक का बाइसेप नेचुरल गेन किया था, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो इसमें कोई किसी को ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉडी की एक लिमिट होती है। मेरे जेनेटिक्स हो सकता है अच्छे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, कि हो सकता है मेरे जेनेटिक्स अच्छे हों कि 18.5 इंच का बाइसेप मेरा नेचुरल हो गया, बट हर किसी का हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैटर करती है कि आपका जब एक लेवल के बाद जब बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है, बॉडी उसके बाद ग्रो नहीं कर रही, तो फिर एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। ये मजबूरी है, या तो अपने इतने ज़्यादा कोई आप मतलब इतने बड़े बड़े टारगेट मत रखो कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। हाँ, जितनी नेचुरल ग्रो हो रही है, जिसमें 16-17 इंच का बाइसेप हो जाएगा मेरे हिसाब से, 85-90 किलो तक भी अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो नेचुरल तरीके से। बट फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा कि मैं ये ऐसी बॉडी बना लूँ, श्रेडिड हो जाऊँ, साथ में बाइसेप मेरा 19-20 इंच का हो जाए, तो भाई फिर एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को, बट जो सच्चाई है, किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। मैं बोलता रहूँ कि मैं नेचुरल हूँ नेचुरल हूँ, 23-23.5 इंच का बाइसेप मैंने किया है, तो वो भी मैंने एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ की हैं। एडवांस में भी हाइपर एडवांस बोल दूंगा कि बहुत ज़्यादा एडवांस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा का मतलब 15-20-30 हज़ार कुछ नहीं एक मंथ का, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं यूट्यूब पर बोलना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें चलाई जाती हैं, और ख़ास करके बाइसेप्स वगैरह पे, बाइसेप पे ग्रो करने के लिए, क्योंकि लिमिट होती है, उसके बाद नहीं ग्रोथ होती इसकी। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी डाइट खाते रहो, अगर आप डाइट हाँ लेते रहोगे, ये है कि पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैली फैट बढ़ जाएगा आपका, बट बाइसेप का बाइसेप ग्रो हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक नेचुरल की लिमिट रहती है, उसके बाद नहीं ग्रो होता, ये सच्चाई है, ठीक है। इसमें बेवकूफ़ मत बनो, कोई बोले कि नेचुरल ऐसे कर लो, ये एक्सरसाइज होगी तो इससे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक लिमिट जब आपकी हो गई, उसके बाद नहीं ग्रो करेगा, चाहे जितनी मर्जी डाइट ले लो, जो मर्जी सप्लीमेंट ले लो, या जो मर्जी वर्कआउट करते रहो। किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो सच्चाई है सीधा कह रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो कितने मंथ नेचुरल करना चाहिए सर अपने? अच्छा, हाँ मैं बिल्कुल अभी मैं रेस्ट दे रहा हूँ बॉडी को। ये प्रीत भाई ने पूछा, बिल्कुल रेस्ट दे रहे हैं बॉडी को। काफ़ी लंबे टाइम से मैं साइकिल्स रन करता ही रहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अब मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, 12 महीने भी कई बार साइकिल्स चलती हैं, और इतने लंबे टाइम से साइकिल्स रन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को रेस्ट देता रहता हूँ ये बीच बीच में। कभी भी 6 महीने 7 महीने रेस्ट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत हाई डोज चलती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, और प्रिकॉशंस वगैरह तो खैर मैं लेता हूँ खुद, और सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ, बट तब भी बहुत लंबे टाइम तक नई चीज़ों को खींचना चाहिए, तो बीच में ब्रेक ज़रूर करनी चाहिए। हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है, और नेचुरल हो जाते हो तो बॉडी की आपको लिमिट पता लग जाती है कि मैं कितना नेचुरल। अभी मैं खुद श्रेड करने की कोशिश बिल्कुल नेचुरल तरीके से की है, तो मेरा वेट उसमें कम हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकता, गेन बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक रहता है कि रेस्ट देनी होती है बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, सभी को रेस्ट मिल जाती है अगर आप साइकिल ऑफ जाते हो, और फिर नेचुरल तरीके से कुछ ग्रीन जूस हो गए जैसे, उनको ऐड करते हो, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, और कुछ कुछ रहती है नेचुरल हर्ब्स वगैरह रहती है आपकी किडनी के लिए या और चीज़ों के लिए, जो आपको बेनिफिट देती है, तो वो तरीका रहता है। ये मेरा तरीका है, बहुत लंबे टाइम से साइकिल्स रन करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो ब्रेक देने के लिए कुछ महीने रेस्ट देनी पड़ती है बॉडी को, ऑर्गन्स को रिफ्रेश करने के लिए एक तरीके से, ठीक है। कितने मंथ तक नेचुरल? मैं आपको मैं बता दूं कि 2-2.5 महीने मतलब 2-2.5 साल तक आप नेचुरल बिल्कुल रहो। हाँ, अब ये क्लियर कर देता हूँ, ये होगी बात नॉर्मल लड़कों के लिए जो एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते। अगर आप एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, तब भी शुरुआत में एटलीस्ट 1 साल आप नेचुरल रहो, घर की डाइट पे रहो, अच्छी डाइट लो, उससे भी मसल गेन होता है। मैंने खुद अपना 100 kg वेट और 18.5 इंच का बाइसेप, जिसमें 4 अपर एब्स भी विजिबल हों, ऐसा मैंने शुरुआत में किया है बिल्कुल नेचुरल। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं एडवांस लेवल की चीज़ें मैं यूज़ करता रहा हूँ, तो मैं कोई नेचुरल नहीं हूँ, बट मैं शुरुआत में नेचुरल रहा हूँ, तो इतना मैंने अचीव किया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये था कि मेरे पास बजट की प्रॉब्लम थी, बट आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि 1 साल एटलीस्ट आप नेचुरल रह सकते हो, घर की डाइट अच्छी डाइट लो, उससे मसल गेन करो,
उससे ही श्रेडिंग करो, फैट लॉस करो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो नेचुरल रहना जितना बढ़िया रहता है, बट हाँ ये चीज़ है कि मजबूरी है बॉडी बिल्डिंग की, कि कुछ टाइम के बाद जब बॉडी ग्रो नहीं करती या फैट लॉस नहीं होता, मसल बिल्ड नहीं होता, या आप सोच लो कि मैं कॉम्पिटिशन वगैरह खेलूँ तो मेरा थोड़ा नाम हो जाए, तो फिर एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। तो ये सारे जितने भी इंस्टाग्राम पे हैं, ये मत सोचना कि ये इनकी बॉडी बहुत अच्छी है तो ये नेचुरल है, नेचुरल सारे झूठ बोलने में लगे रहते हैं, बेवकूफ बनाने में। आप भी सोचते रहोगे नेचुरल, आप करते रहोगे, हार के बैठ जाओगे, बाद में जिम ही छोड़ दोगे, तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसका ये मतलब है किसी के देखा देखी में मत जाओ। अगर आप नेचुरल रहना चाहते हो तो नेचुरल रहो, सारी जिंदगी चाहे नेचुरल रहो, बट फिर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि भाई मैं 19-20 इंच का बाइसेप भी कर लूंगा और मैं श्रेड भी हो जाऊंगा। तो इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन बॉडी के साथ मत करो, बॉडी की एक लिमिट रहती है, एडवांस लेवल की चीज़ें होती है उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, किसी की देखा देखी इंस्टाग्राम पे जो बोल रहे हैं अच्छी फिजिक बना के बाद में बोल देते हैं कि हम तो नेचुरल है, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे किस तरीके से। अभी आप सोचते हो नेचुरल, आप भी नेचुरल करने शुरू कर दोगे, 1-1.5 साल नेचुरल करोगे, थक जाओगे, देखोगे कोई बॉडी में नहीं रिजल्ट मिल रहा, आप फिर जिम जाना ही छोड़ देते हो, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। देखो ब्रदर, मैं एक साइकिल में 10-12 किलो भी गेन हो जाता मेरे स्टूडेंट्स का, तो अब ये कोई मैं नहीं कह सकता कितना वेट या कितना मसल मास या कितना बाइसेप का साइज गेन होगा एक साइकिल में, बट हाँ मेरे अंडर जो साइकिल्स रन कर रहे हैं लड़के, जो 3 मंथ की साइकिल्स रहती हैं, लास्ट में PCT होती है, तो उसमें 10-12 किलो 14 किलो वेट जो मसल मास गेन हो जाता है एक साइकिल में। ठीक है, एक साइकिल में एडवांस लेवल की साइकिल की बात कर रहा हूँ, नेचुरल की बात नहीं कर रहा। नेचुरल में ये है कि 3 मंथ में 5-6 किलो तक लीन मसल मास गेन हो जाता है नेचुरल में, ये मेरे अंडर में अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। फैट लॉस करना हो तो 10-12-14 किलो भी फैट लॉस हो जाता है। एक कुछ मतलब NRI लड़के हैं, मैंने ऐसे हुए हैं 30-35 किलो भी एक साइकिल में फैट लॉस करवाया, तो वो पॉसिबल है एडवांस लेवल की साइकिल को, वो आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि हर किसी का इतना ही हो जाएगा, हो सकता है किसी का 10-12 किलो फैट लॉस हो एक साइकिल में, हो सकता है किसी का ज़्यादा हो जाए, 30-35 किलो भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, हर कुछ पॉसिबल है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। बाकी आप कितना मेरा बताया, जो मैं चीज़ें बताऊँ आपको, डाइट वर्कआउट बताऊँ या जो भी मैं आपको नॉलेज दूँ, आप कितना ज़्यादा उसको फॉलो करते हो तो उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो ये मेरा तरीका रहता है, कोई इसमें लिमिट नहीं रहती कि हाँ भाई हर किसी का इतना गेन हो जाएगा, हर किसी का इतना लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहता कोई भी। मतलब एडवांस लेवल की साइकिल्स का भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितना फैट लॉस होगा, कितना मसल गेन होगा। देखो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से अगर आप जिंक कैल्शियम की टैबलेट लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। हाँ, लेनी उनको है जिनका हार्डवर्क बहुत है, जिम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, डाइट वगैरह प्रॉपर रख रहे हो। कैल्शियम और जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, खास करके आप जिंक मैग्नीशियम की भी टैबलेट्स ले सकते हो, बट जिंक और कैल्शियम की आपने ज़रूर लेनी है। जिंक जो है वो आपको बेनिफिट देगा, आपके इनडायरेक्टली वो मसल गेनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जिंक बेनिफिट करता है टेस्टोस्टेरोन को अप करने में। ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ है, या तो आप डाइट से ले लो या आप मसल गेनिंग करना चाहते हो तो जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका टेस्टोस्टेरोन अप होगा तो मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सप्लीमेंट आप जिंक जो है मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, हो सके तो जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम करके ये टैबलेट्स आती हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, तो जो बोन्स है उसका फ्रिक्शन के कारण जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो आप या तो डाइटरी जो सप्लीमेंट्स अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या डाइट से आप उसको कंप्लीट करो। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कैल्शियम टैबलेट लेनी पड़ जाएगी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भाई कैल्शियम अगर आप डाइट से पूरा कर रहे हो तो एटलीस्ट जिंक या जिंक मैग्नीशियम की टैबलेट आप ले सकते हो, आपको मसल गेनिंग में पक्का हेल्प मिलेगी और मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। ये मैंने मसल गेनिंग का बताया। सेकंड चीज़, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो एल कार्निटाइन की टैबलेट्स मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर से। एल कार्निटाइन आपके एडिपोज टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, मसल्स को हेल्प करता है, प्रिजर्व करता है और साथ में फैट लॉस करता है। उसका मेन तरीका ये रहता है कि ब्रेक डाउन करना फैट सेल्स को, उसको यूटिलाइज करना कैलोरीज में। तो आप एल कार्निटाइन आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चीप है ये दोनों सप्लीमेंट, जो मैंने थंबनेल में भी डाला वीडियो के। एक तो जिंक है, जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम भी ले सकते हो, बट जिंक है पहला और सेकंड है आप एल कार्निटाइन। दोनों ही सप्लीमेंट मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो। एक फैट लॉस में हेल्प करेगा, एल कार्निटाइन बहुत अच्छा फैट लॉस में हेल्प करता है, साथ में लीन मसल मास प्रिजर्व करता है। और सेकेंड चीज़ है, हाँ एल कार्निटाइन एक चीज़ ये भी हेल्प करता है कि आप लेथार्जिक फील करते हो, जैसे आप मतलब कि
फैट लॉस कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, बहुत ज़्यादा भूख लगती है आपको, समझ लो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो एल्कार्निटाइन वहाँ पे एनर्जी भी देता है आपको, वो कैसे देता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो एल्कार्निटाइन आप फैट लॉस में हेल्प कर यूज़ कर सकते हो, लीन मसल मास प्रिजर्व करने में यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ है, मैंने जिंक बताई है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को अप करता है और इनडायरेक्टली आपके मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करता है। तो जिंक ज़रूर आप बाय कर सकते हो अगर आपको डाइट से नहीं मिल रहा अच्छा और हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये चीज़ें, ये सप्लीमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है। दोनों ही सप्लीमेंट मैंने बता दिया आपको, सभी मैंने आंसर दे दिया। ये लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा भाई ने फिर से, हर बार ये पूछते हैं कि बाइसेप्स के साइज के लिए कोई सार्म, तो ऐसा नहीं रहता, सार्म्स की साइकिल्स रन होती है, ओवरऑल बॉडी का मसल मास गेन होता है, स्पेशल बाइसेप्स का साइज गेन करने के लिए सार्म्स नहीं होते, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, इन्होंने बोला एक भाई ना, इनका नाम नहीं इन्होंने बताया हुआ, स्टीरॉयड कहाँ से बाय करना, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, हो सकता है ये न्यू हो। स्टीरॉयड अगर आप बाय करना चाहते हो, या तो अपने कोच से बाय करो, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है कि आपको रिजल्ट देना, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप अपने कोच से बात कर सकते हो, तो इसलिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देगा कोच, बढ़िया कोच होना चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोच से लो या फिर ऐसे स्टोर से लो जहाँ पे आपको 100% जेन्युइन की हो कि भाई यहाँ से ओरिजिनल ही मिलता है। दोनों चीज़ें हैं, या तो कोच से बाय करो एडवांस लेवल की चीज़ों को, और या फिर कोई जहाँ स्टोर ऐसा जहाँ से आपको 100% हो कि भाई ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी मैंने आंसर दे दिया भाई। ब्रदर एवरेज आप 16-17 इंच का बाइसेप गेन कर सकते हो नेचुरल तरीके से, ये मैं मानता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम आईडी है जॉनी किंग अल्फा जो यूट्यूब चैनल है वही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी भाइयों को कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक में कोई किसी का पैसा नहीं खर्च होगा, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट जो करोगे देखो मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ, तो यही मैं सारे आंसर देता हूँ सबसे पहले, और नया टॉपिक एक होता है तो लाइव में आपका आंसर दूंगा या वीडियो बना के आंसर दूंगा, इसलिए आप एक अच्छा सा एक कमेंट, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। टेक केयर, बाय।